दोस्तों आज मैं आपके लिए सुपर टेस्टी स्वीट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो केवल 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी, वो भी बिना गैस जलाए। इस मिठाई को बनाना इतना आसान है कि बड़े तो क्या, बच्चे भी इस मिठाई को आराम से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए ना तो हमें मावा की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही डेसिकेटेड कोकोनट की। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मिठाई बनाने से पहले एक टिफ़िन लेंगे, इसी में ही आज मैं मिठाई को जमाऊंगी। इसमें अब थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे। मैंने ये कांच का टिफ़िन लिया है, आप प्लास्टिक का टिफ़िन भी ले सकते हैं या फिर कोई डीप थाली या प्लेट भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर बटर पेपर रखेंगे। ये बटर पेपर टिफ़िन में अच्छे से सेट नहीं हो रहा है तो इसके किनारों में कट लगा देंगे ताकि बटर पेपर टिफ़िन में अच्छे से सेट हो जाए। आपके पास अभी घर में बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी नोटबुक में से पेपर फाड़कर उस पर घी या तेल लगा देंगे तो आपका बहुत ही सस्ते में बटर पेपर घर में ही तैयार हो जाएगा। मैंने बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा देसी घी लगाया है ताकि मिठाई को निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब इसको साइड में रख देंगे और अब लेंगे मिक्सी का जार। इसमें डालेंगे 20 से 25 काजू, ये वजन में 20 ग्राम है, काजू आप कम भी ले सकते हैं। और 20 से 25 ही डालेंगे बादाम, ये भी वजन में 20 ग्राम है। आप काजू बादाम दोनों ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना चाहते हैं तो इनमें से कोई एक भी ले सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे 50 ग्राम चीनी, इस वाले चम्मच से मापेंगे तो ये 5 चम्मच है। चीनी इस मिठाई में बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी कि इस मिठाई में चीनी 40 से 50 ग्राम से ज़्यादा क्यों नहीं डालनी है। अब इनको पीस लेंगे। ये देखिए हमने तीनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीसा है, बादाम काजू में चीनी डालकर पीसेंगे तो ये आराम से बारीक भी पीस जाएंगे और इनमें से इनका तेल भी अलग नहीं होगा। अब इस पाउडर को बड़े बोल में डाल देंगे। इसमें डालेंगे 2 से 2.5 चम्मच फ्रेश मलाई, ये वही मलाई है जो दूध के ऊपर आती है। अब इसको इसमें अच्छे से मिला देंगे। कलाकंद दो तरीके का बाज़ार में मिलता है, एक तो थोड़ा टाइट होता है और एक बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो हम आज ये सॉफ्ट वाली मिठाई बना रहे हैं। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच दूध, मैंने इस दूध को अच्छे से गर्म करने के बाद ठंडा किया है, इसको भी इसमें अच्छे से मिला देंगे। दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, और यदि आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दूध भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया तो अब इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर, ये वजन में 100 ग्राम है। मैंने ये 10-10 रुपए के 5 पैकेट लिए, एक पैकेट का वजन 20 ग्राम है। मिल्क पाउडर को भी इसमें मिला देंगे। इसमें अब 4 से 5 छोटी चम्मच दूध डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। मिल्क पाउडर भी थोड़ा मीठा होता है तो मैंने इसलिए ही इस मिठाई में ज़्यादा मीठा डालने के लिए मना किया था, यदि मिठाई में ज़्यादा मीठा डाल देंगे तो भी मिठाई खाने में ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेगी। वैसे आप इसमें मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिल्क पाउडर भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया तो अब इसको साइड में रख देंगे। और अब लेंगे 4 ब्रेड, मैंने वाइट वाली ब्रेड ली है, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। इनके अब किनारे काट लेंगे, ब्रेड के किनारे नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ब्रेड के किनारे इसलिए काट रही हूँ ताकि हमारी मिठाई दिखने में सुंदर लगे। मिठाई में ब्रेड के किनारे डाल देंगे तो मिठाई का थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। ये जो ब्रेड के किनारे हैं इनको हम फेंकेंगे नहीं, बाद में यूज करेंगे, लेकिन अभी इनको साइड में रख देंगे। और जिन ब्रेड के किनारे हमने काटे हैं उनको छोटा छोटा तोड़ लेंगे। ये देखिए हमने चारों ब्रेड को छोटा छोटा तोड़ लिया तो अब इनको मिक्सी के जार में डाल देंगे। मैंने इसी जार में बादाम काजू और चीनी को पीसा है, अब इनको भी पीस लेंगे। ये देखिए ब्रेड को भी हमने बारीक पीसा है, अब इन ब्रेड को उठाकर इस बॉल में डाल देंगे जिसमें हमने काजू बादाम चीनी और मिल्क पाउडर का पेस्ट दूध डालकर बनाया है, इसको भी अच्छे से मिला देंगे।
आपने इसमें गलती से ज़्यादा दूध डाल दिया है और ये पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ी और ब्रेड भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर। इलायची डालने से इस मिठाई का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपको यदि इलायची का टेस्ट पसंद नहीं है तो इलायची को स्किप भी कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिला देंगे। हम ये सॉफ्ट वाली मिठाई बना रहे हैं तो इस बैटर को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे, थोड़ा पतला ही रखेंगे। इलायची का पाउडर भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब लेंगे वो टिफ़िन जिसमें हमने बटर पेपर लगा कर रखा है, इसमें ये सारा बैटर डाल देंगे। मैं आपको दोबारा से बोल रही हूँ, आपका बैटर यदि बहुत ज़्यादा पतला हो गया है तो इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी ब्रेड डाल सकते हैं। आप इसको घी लगी हुई चम्मच से प्लेन कर देंगे। आप ये मिठाई बनाएंगे तो इसको बनाने में सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे, लेकिन मैंने इसमें जो सारी चीज़ें डाली है एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताया है, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, जब ये अच्छे से जम जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी दिखती है। 1 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा है। ये देखिए, ये अच्छे से सेट हो गई। तो आप इसके किनारे चाकू से अलग कर देंगे। आप इस टिफिन को उल्टा करके इसके ऊपर थपकी मारेंगे। ये देखिए, ये कितनी आराम से निकल गई, क्योंकि हमने टिफिन में बटर पेपर लगाया है। आप इस बटर पेपर को हटा देंगे। ये देखिए, ये देखने में लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दानेदार मिठाई। आप इसको काट लेंगे। आप इसको अपनी पसंद की किसी भी शेप में काट सकते हैं और इसके ऊपर काजू बादाम पिस्ता कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़े बारीक कटे हुए पिस्ता डालूंगी ताकि ये हमारा कलाकंद दिखने में और भी अच्छा लगे। ये लीजिए, अब हमारी बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट मुंह में घुलने वाली मिठाई तैयार है। आप एक बार इस तरीके से ये मिठाई बनाकर जरूर देखना, ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आपको ये बिना गैस जलाए मिठाई बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।